completed. Post precipitation also completed. कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, तो शायद सा वार्ड मेमर थ्योरी हो ही गया था। एक्सक्यूज मी सर, यस सर सम स्टूडेंट्स आर हैव रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन, प्लीज लेट देम ज्वाइन द मीटिंग। मैं ज्वाइन कर दिया सर। तो आई हैव एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। वन इज द को प्रेसिपिटेशन, अनदर वन इज द पोस्ट प्रेसिपिटेशन, एंड थर्ड वन इज द आइसोमॉर्फस डिप्लेसमेंट। थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। फर्स्ट प्रेसिपिटेशन इज द को प्रेसिपिटेशन, मींस द normally soluble substances which are present in the solution are also incorporated during precipitation process. Impurity present in the solution are also incorporated. Such type of precipitation is called co-precipitation. And co-precipitation is further divided into two types. One is the adsorption co-precipitation and another one is the occlusion. Occlusion. Hence, the impurity present in the solution are deposited on the surface of the precipitate. If the impurity deposited on the surface of the precipitate, this type of precipitation is called as the adsorption co-precipitation. Adsorption co-precipitation. देखिए बीच बीच में ये लोग जो है आधे घंटे तक पूरे ज्वाइन करेंगे। अंकित कुमार है, ये ऑनलाइन क्लास का ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्लास को बीच में रोक के इनको ज्वाइन कराते थे। आ गए अब आदित्य नारायण आ गए, अब रुकिए हम लोगों को ऐड ही कर लेते हैं आधे घंटे, इसके बाद क्लास स्टार्ट। एक तो सेटिंग करने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट बाद ये लोग ज्वाइन होते हैं। तो एडजॉर्प्शन मींस जनरली एडजॉर्प्शन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर्स इन बोथ कंपाउंड व्हिच हैव आइदर व्हिच सरफेस एरिया इज हाईली एक्सपोज, व्हिच सरफेस एरिया इज हाईली एक्सपोज या रफली एक्सपोज, वो जनरली प्रेसिपिटेट इंप्योरिटी डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट। ऐसे जो ब्लैकनेस प्रेसिपिटेट होते हैं, आयरन हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, जैसे कि बहुत बल्की टाइप के होते हैं, तो उनकी सरफेस के लिए हाईली एक्सपोज होती है। तो इजिली जो है सरफेस से प्रेसिपिटेट इंप्योरिटी जो होती है वो
डिपॉजिट हो जाती है एंड दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इजिली रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। वॉशिंग प्रोसेस से उसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है वो ऑक्लूजन, सेकेंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन मीन्स ऑक्लूडेड, कोई भी इंटरनल पार्ट जो है उसकी ऑक्लूड कर जाए। Impurity present in the solutions are incorporated in the liquid. वो क्या किया? Precipitate के बाहर सरफेस में नहीं किया, वो इंटरनल पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट विच मे इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनलाइट। आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन रिमूव तब करेंगे पहले उसकी इंप्योरिटी को रिमूव करेंगे, अदरवाइज उस कंपोजिशन को आपको आपके कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना होगा क्योंकि वो रिमूव होती नहीं है। एंड सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी जनरली रिमूव बाई डाइजेशन मेथड। डाइजेशन मेथड से हमने रिमूव करते हैं। तो डाइजेशन मेथड जनरली क्या होता है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट है precipitate contact with mother liquor, again precipitate contact with mother solutions and kept for few hours at an elevated temperature, कुछ ऐसे temperature fix कर दीजिए और कुछ घंटों के लिए उस पर रख दीजिए, तो जो larger smaller particles जो dissolve थे वहां पे दे मेकिंग द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड कम आउट द आउटसाइडर क्रिस्टलाइटिंग। Then, फिर जो है वहां पे जो लार्जर साइज वाले प्रेसिपिटेट हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और ये इंप्योरिटी भाग है। इस प्रोसेस को कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज द डाइजेशन प्रोसेस, जिसमें होता क्या है। टू एडवांटेजेज ऑफ डाइजेशन प्रोसेस, वन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्लूडेड इंप्योरिटी। एक तो डाइजेशन मेथड अगर फॉलो करते हैं आप, उससे जो ऑक्लूडेड इंप्योरिटी है वो रिमूव होती है। एंड सेकेंड द साइज ऑफ द क्रिस्टल विल इंक्रीज, बड़े साइज के क्रिस्टल आया। तो डाइजेशन प्रोसेस के दो एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट रिमूवल ऑफ द ऑक्लूडेड इम्प्योरिटीज एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये दो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया आज, एक एडजॉर्प्शन को प्रेसिपिटेशन एंड ऑक्लूडेड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आर टू टाइप्स, वन इज द को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, वन इज द एडजॉर्प्शन means impurity deposited on the surface, दूसरा occluded impurity deposit inside the liquid, इनके वाशिंग रिमूवल के प्रोसेस हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। When the sulfuric acid is added to a solution of barium chloride containing a small amount of nitrate, sulfuric acid को कहां पे आप ऐड कर रहे हो, barium chloride solution में, और थोड़ा सा amount barium nitrate भी है। The precipitate of barium sulfate is found to contain small amount of nitrate. Barium sulfate भी का एक precipitation हो रहा है और barium nitrate दोनों simultaneously जो है nitrate का उसको impurity deposit किया है। हम कह सकते हैं कि जो nitrate की impurity है that is the occluded part of the impurity. ठीक है। I have published a paper in 2011. Simply, I was prepared a compound, inorganic complex, zinc perchlorate. I was preparing a complex, zinc complex with organic compound. So during complexation, zinc complex का formation नहीं हुआ, in place of zinc complex, another organic compound will form. They was formed, means containing the perchlorate ion. वो क्या किया कि zinc perchlorate की presence में जो परफ्लेट आयन होते हैं जो जनरली बाहर हो जाते हैं वो को क्रिस्टलाइज द परफ्लेट आयन इन द क्रिस्टल। वो कैसे कंफर्म हुआ, विद हेल्प ऑफ सिंगल क्रिस्टल लिथोग्राफी से एक कंपाउंड बना था, उसके साथ वो परफ्लेट आयन हुआ था आयनिक फॉर्म में। इट मींस वो एग्जांपल क्या था, ऑक्लूडेड था। ऑक्लूडेड इंप्योरिटी मींस जो आयन प्रेजेंट था सोल्यूशन में वो आपके लैटिस में क्रिस्टल में भी आ गया। तो इस टाइप की इंप्योरिटीज होती है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रेट है वो भी क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज द को क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्लूडेड इंप्योरिटी। ये सारे एग्जांपल्स हैं।
अब इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एक डाइजेशन मेथड है, ये डाइजेशन मेथड है जो जनरली द प्रोसेस इन विच ए प्रेसिपिटेट इंसेक्ट स्टैंड इन कॉन्टेक्ट विद मदर लिकर टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ। ये प्रोसेस है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस प्रोसेस से हम इसे रिमूव करते हैं। बहुत सारे प्रेशर है, प्रोसीजर दैट कैन बी अप्लाई टू मिनिमाइज द को प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस होगा। हम फाइनली लास्ट में दोनों पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है रिमूव करने के लिए, दोनों को एक साथ अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों का एक साथ करेंगे। यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे बस हेडिंग लेकर के हमने नेक्स्ट हुआ पोस्ट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। पोस्ट प्रेसिपिटेशन, पोस्ट वर्ड आप जानते ही हो, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है, पोस्ट मीन्स बाद में। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस इट मीन्स द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन तो होता है क्या, जो है सपोज करने के लिए दो टू या फोर एंड टू सी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन मानने का वो सी दिखा रहा है। हो सकता है
दूसरा एग्जांपल और है, मैंने बताई क्या आपको घन कैल्शियम आर्ग्रेट हुआ है, मैग्नीशियम आर्ग्रेट डजन बिकॉज इट चेंज्ड टू फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बट इट फॉर्म अंडर सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर बिफोर डिप्लेशन, तो वहां पे भी मैग्नीशियम आर्ग्रेट का डिप्लेशन होता है। थर्ड एग्जांपल ये कॉपर सल्फाइड विल प्रेसिपिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन एसिडिक सॉल्यूशन, जिंक सल्फाइड आल्सो प्रेसिपिटेट इफ सॉल्यूशन इज स्टैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ
सो रहा है, ऑनलाइन को जुड़ा है। नेक्स्ट कंपैरिजन आपको प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन के क्या कंपैरिजन है। तो फर्स्ट कंपैरिजन है को प्रेसिपिटेशन रिड्यूसेज विद कीपिंग द प्रेसिपिटेट इन कॉन्टेक्ट विद मदर लिकर वेयर एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस। मीन्स अगर मदर लिकर के साथ रख दिया जाए, ज्यादा टाइम के लिए मदर लिकर के साथ रख दिया जाए तो को प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है, एलिमिनेट होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कर दिया जाए पोस्ट प्रेसिपिटेशन तो वो क्या करेगा, जो कि इंक्रीज दोनों एक दूसरे से अपोजिट। दूसरा है को प्रेसिपिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल स्टरिंग और डाइजेस्टिंग द सॉल्यूशंस वेयर एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस। जितना ही आप स्टरिंग करेंगे वो को प्रेसिपिटेशन उसके लिए फायदेमंद है, वो रिड्यूस होगा। लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में अगर स्टरिंग कर दीजिए वहां तो इंक्रीज करने में होता है। दूसरा कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द पोस्ट प्रेसिपिटेशन। मीन्स हमने बोला था कि डायल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, पीएच क्या है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की कंडीशन कंसंट्रेट में है उस केस में पोस्ट प्रेसिपिटेशन ज्यादा करता है, जबकि डायल्यूट कंडीशन में को प्रेसिपिटेशन ज्यादा करता है। ये थ्री इंपॉर्टेंट कंपेरिजन है, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं इस तरह से कंपेरिजन में को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंसेस है। थ्री पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो हुआ आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट है, थर्ड टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट। आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट केस में हमने बताया था कि आइसोमेंस क्या होता है, तो सोल्यूशन में अगर दो आयन आर मोर देन टू आयन प्रेजेंट है सोल्यूशन में, वन आयन इज द पार्ट ऑफ लैटिस एंड ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अनदर आयन ऑफ सेम साइज एंड फेज। अगर उस सोल्यूशन में सेम साइज और सेम फेज के आयन है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर, दैट इज द आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट। ये दूसरे आयन को दूसरा आयन सेम साइज का रिप्लेस कर दे, दैट इज द आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट। और इस टाइप के प्रेसिपिटेशन बहुत रेयरली पाए जाते हैं तो इसलिए इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन क्या है। इसी तरह सेम साइज जब हम जाएंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, तो वहां पे आयन एक्सचेंज रेजिंस होते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिंस का काम क्या होता है कि जिनकी कैपेसिटी एक्सचेंज करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है वो लोअर कैपेसिटी आयन को रिप्लेस कर देते हैं, वो सोल्यूशन में चला जाता है और वो आयन को एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उनकी साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए, वो रिप्लेस कर देते हैं। इसी टर्म में एक और एग्जाम्पल आया था होस्ट गैस वाले क्राउन एथर, आप एग्जाम्पल देखे क्राउन एथर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी कैविटी बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी क्या होते हैं कि उनकी कैविटी में मेटल आयन फिट हो जाते हैं, मेटल आयन उनकी कैविटी में फिट हो गया और वो मेटल आयन आए गेस्ट की तरह हो गया, क्राउन एथर जो है होस्ट का तब काम करता है। और दूसरा कोई गेस्ट आए उसी उसी का एकदम साइज का सेम था और एक गेस्ट को हटा के फेंक दिया और अपने फिट हो जाए, दैट इज द होस्ट गेस्ट। तो आइसोमार्फस रिप्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन इज सेम एज द होस्ट गेस्ट या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो हमने आज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्सप्लेन किया, कितने टाइप के प्रेसिपिटेशन हैं और उनके कंपेरिजन को भी एक्सप्लेन किया। तो अगर यहाँ तक कोई किसी क्वेश्चन है, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो फिर अनदर टाइप स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो पहले इस हमने कितना स्लाइड आप लोगों को भेजा है व्हाट्सएप पे, इसको भेजा है नहीं भेजा है,
स्पेसिफिकेशन दो लिखा होगा, हमने आपके व्हाट्सएप में जो है अपना नोट डाल दिया स्पेसिफिकेशन टू। अब दो मिनट के लिए ब्रेक होगा, दूसरी स्लाइड ऐड करते हैं। लास्ट पास में चाहिए, बार बार करने से बार बार फिर वापस चला जाता है, बंद हो जाता है। थर्ड प्रोसेस है वाशिंग प्रोसेस, हमने एक्सप्लेन कर रहा था कि वाशिंग प्रोसेस में वही होता है कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का च्वाइस करते हैं टू अवॉइड द कैप्सिलेशन प्रोसेस। थर्ड मेथड है डाइजेशन, ये हमने बताया था कि डाइजेशन प्रोसेस यूज फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्लूडेड इम्प्योरिटी, ओनली ऑक्लूडेड इम्प्योरिटी। वाशिंग मेथड यूज फॉर द ओनली एडजॉर्प्शन इम्प्योरिटी, जो सरफेस है आप वाशिंग मेथड वहाँ यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है रीप्रेसिपिटेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस, ये फाइव प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है प्रेसिपिटेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू रिएजेंट, टू एडिशन का क्या इम्पॉर्टेंट है। तो दिस मेथड कैन बी यूज टू कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड आउट बाय द प्राइमरी पार्टिकल ऑफ द
This method is using that method in which the contaminant, the solution containing contaminant is added to the another reagent. वही मतलब जो सॉल्वेंट था वो ठीक था, जो इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी थी उससे हम क्या करते हैं एनदर रीजन में डाल सकते हैं। तो इन दिस केस द प्राइमरी फॉर्म पार्टिकल आर न्यूक्लियाई एक्युमुलेट लेस इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, आफ्टर दिस ट्रीटमेंट वी कैन मिनिमाइज द मीन जो आए थे कुछ पार्टिकल जो इम्पॉसिबल रह गए थे हम दूसरा रीजन ऐड करके उनको भी डिजॉल्व कर लेते हैं और फिर जो प्राइमरी पार्टिकल फॉर्म है दोनों पे फर्स्ट पार्ट वाशिंग मेथड हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि मैं इसी पर दे रहा हूं दिस इज जनरली यूज्ड फॉर द क्लैरिटी एंड ग्लैटनेस टेस्ट। हमने बताया था कि जिनकी सरफेस एरिया हाईली एक्सपोज होती है वहीं पे शायद प्रेशर होता है। ग्लैटनेस टेस्ट क्या होती है कंडीशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस जो आपको हैंडल करना मुश्किल रहता है ये पैसा रहता है। एंड वॉशिंग इज डन टू रिमूव द अब्सॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज बट केयर हैज टू बी टेकन ड्यूरिंग द वॉशिंग दैट द फिल्टर्स डू नॉट रिवर्ट बैक टू द क्लोराइड ये होता है कई हम पाकर को रिमूव करने के लिए अवॉइड करने के लिए हम सुटेबल जब क्लोराइड वाश को कभी। अब लास्ट जो प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट है डाइजेशन ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कई बार जो ओरिजिनल सोल्यूशन है और ये प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया है निकल कर दिया वाश शुरू कर दिया है इससे आपको पता है कि भी से एक है तो अगेन this property is used for the removal of crystalline impurity. In this case, the precipitate will contact with mother nature for 2 hours at the nature. The smaller particle, of the total man, smaller particle is at larger particle as compared to larger particle. Smaller particle is at larger particle as compared to larger particle. They come back to the solution and make it लिखा हुआ है पे स्मॉलर पार्टिकल व्हिच हैज लार्जर सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर्ड टू लार्जर पार्टिकल दे कम बैक इनटू द सॉल्यूशन लाइक क्या हुआ बाहर आ गया कम बैक इनटू द सॉल्यूशन मेकिंग द सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर पार्टिकल क्या होती नाउ द स्टेबलाइजेशन कम आफ्टर स्मॉलर पार्टिकल लीव द सॉल्यूशन एंड री डिपॉजिटेड टू द लार्जर This is the cause. The process of digestion has been two advantages. First part is number one, crystallized impurity and occluded impurity. Digestion में क्या होता है कि जब हम ये आपका मदर लिकर सोल्यूशन है, मदर लिकर सोल्यूशन में ऐसे हम जो है कि एक आंसर और दूसरा आंसर ये इंपॉर्टेंट है बायो डिटेक्टर हाँ साइज छोटा होगा उसके लिए आप उसको साबित को आप चाहते हैं तब उसकी सुपर साइज बढ़ जाती है
इसीलिए तो जो विश्वास में आपको करता है सेपरेशन रिप्रेसिपिटेशन टू ठीक है प्रेसिपिटेशन नाम होमो जूनियर अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए नहीं ऑनलाइन मत भेजिए जो बच्चे ऑफलाइन है वो रजिस्टर मिल गया उनको कल से रजिस्टर मिल गया रजिस्टर में साइन जो ऑफलाइन बच्चे आ गए उनका रजिस्टर में साइन होगा जो ऑनलाइन बच्चे उनको हम अपने लैपटॉप में साइन करेंगे ठीक रजिस्टर में भूल गया रजिस्टर मिल गया हाँ पेज पर लिख दीजिए आप लोग अटेंडेंस भेज दीजिए